रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऐसा बोल सकता हूँ ना. ओके और हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब होता क्या है कि एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में भी इसका कोई डेरिवेशन गिवन नहीं है कि वाई एन इक्वल टू वन अपॉन टी. ऑनेस्टली ये इतनी सिंपल चीज है कि इसका डेरिवेशन ही नहीं दिया जाता कहीं पे भी, क्योंकि माना जाता है कि ये बहुत सिंपल है, अंडरस्टूड है. 10th और 9th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, बट शायद डेरिवेशन नहीं मालूम है. तो लिसन, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाली है, आपको मार्क्स नहीं आएंगे डेरिवेशन से, कुछ मिलेंगे नहीं. आपको अपने नॉलेज के लिए चाहिए कि एक पता तो होना चाहिए ना ये हम लोग कैसे इसको शो कर सकते हैं इस रिलेशन को. Yes. चाहिए तो मैं बता दूं, नहीं तो वी कैन स्किप दिस. नहीं सर बताओ. यस सर बताओ. बता दो. यस यस बता दो. यस सर. यस हां. कभी सपोज आपको कोई छोटा भाई है या छोटा बहन है, छोटी बहन है जो आगे चल के साइंस लेंगे, उन्होंने गलती से आपसे पूछ लिया, आपको भी नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे क्या किया बाकी आपने. तो दैट्स व्हाई आई थिंक हमें हर चीज का प्रूफ मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत. यस सर. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होता है. इसका जो प्रूफ है ना वो लॉजिकल है, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा के हो जाता है. लुक हियर, सपोज यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं ना. तो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. तो देखो वन रेवोल्यूशन के लिए इतने सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है, टी. तो एनीबडी टू रेवोल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगेगा फिर? 2t. अगेन शरण साजी यू आर टाइपिंग वेरी फास्ट. ओके तो एक बार ऐसे ही करते करते फॉर n रेवोल्यूशंस nt 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 टाइम विल बी nt. ओके गुड. टाइपिंग स्पीड आप लोग की बच्चों की बहुत फास्ट होती है आजकल, ठीक है. तो n रेवोल्यूशंस के लिए nt. ओके गुड. तो ये आपने लिख दिया, मैंने लिखा है देखो n रेवोल्यूशन के लिए nt. अब मैं क्या बोलता हूँ कि सपोज ये जो n है ना, सपोज n फ्रीक्वेंसी है, लेट से n डिनोट्स फ्रीक्वेंसी. अगर n फ्रीक्वेंसी है ना, अगर रेवोल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी वो n है, इसका मतलब होता है कि n रेवोल्यूशंस विल बी परफॉर्म्ड इन अ यूनिट टाइम ना. n फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? दैट n रेवोल्यूशंस विल बी परफॉर्म्ड इन अ यूनिट टाइम. एक सेकेंड में n रेवोल्यूशंस होंगे, ठीक है. देखो एक सेकेंड में n रेवोल्यूशंस होंगे तभी n को फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा ना. यस यस. तो इफ फ्रीक्वेंसी इज n, दैट मींस n रेवोल्यूशंस विल बी डन इन 1 सेकंड. तो अभी देखो यहां पर मैंने बोला n रेवोल्यूशंस विल बी डन इन nt सेकंड, इट्स करेक्ट. एंड n रेवोल्यूशंस आर आल्सो डन इन द 1 सेकंड, दोनों सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि nt विल बी इक्वल टू 1 सेकंड ना. यस nt विल बी इक्वल टू 1 सेकंड. हो गया nt इक्वल टू 1 है, मतलब n कितना हुआ? 1 upon t. हो गया, देखो लॉजिकली हो गया. तो n revolutions done in nt seconds, but n revolutions are also done in 1 second because n is frequency. So nt equals to 1 आता है, that means n equals to 1 upon t. clear? ठीक. तो proof कोई exam के लिए काम का नहीं है, nobody will ask in exam. अपने knowledge के लिए चाहिए तो भले आप ऐसे note कर सकते हो. Yes. Done. Yes. Done, sir. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. कल अभी कल आई थिंक प्रणय ने मुझसे पूछा कि सर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ा समझा दो. मैंने कहा था आज इसको करेंगे, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. स्कूल लेवल में आपने सुना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है. Yes, sir. Yes. Yes. थोड़ा आज इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज कैसे आया. देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाई, फ्रीक्वेंसी इज 1 upon t, ठीक है. ये फॉर्मूला हमको मालूम है. इसमें काम करो, राइट हैंड साइड जो है उसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं. इफ यू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ राइट पर सेकंड, 1 upon second, दैट इज पर सेकंड. और वी कैन राइट ऑन सेकंड रेस टू माइनस 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल यूनिट है वो देखिए पर सेकंड है. पर सेकेंड, तो इस पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्स लिखते हैं. हर्ट्स इज सेम एज पर सेकेंड. पर सेकेंड को ही हर्ट्स लिखा जाता है, तो इसलिए हर्ट्स आता है. ओके, हर्ट्स इज एक्चुअली नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, हेनरिक हर्ट्स, उनके नाम पे. तो ये तो हो गया, चलो अभी समझ गया. लेकिन अभी क्या होता है कि
अलग अलग टॉपिक्स में फ्रीक्वेंसी का थोड़ा थोड़ा यूनिट हम लोग चेंज करके भी लिखते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूनिट थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूनिट यूज करते हैं आरपीएस। अब आप बोलेंगे आरपीएस कैसे हुआ, तो क्या हुआ, देखो इमेजिन दैट सपोज फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है, लेट्स से फ्रीक्वेंसी इज कमिंग 3, आई कैन राइट डाउन 3 आरपीएस। 3 आरपीएस का मतलब है 3 revolutions per second। आरपीएस का फुल फॉर्म है revolutions per second। तो देखो इफ आई राइट डाउन फ्रीक्वेंसी इज 3 आरपीएस, दैट मीन्स 3 revolutions per second, मतलब 1 second में 3 revolutions हो रहे हैं। Obviously, अगर 1 second में 3 revolutions हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 3 हुआ ना, 1 second में 3 revolutions है मतलब फ्रीक्वेंसी 3 हुआ, तो फ्रीक्वेंसी को आरपीएस भी लिखा जाता है। यू कैन राइट डाउन 3 hertz, बट बेटर इफ यू राइट 3 आरपीएस। Yes. क्या होगा, आरपीएस से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आती है, 3 revolutions per second, मतलब हम समझ जाएंगे कि 1 second में ये 3 revolutions मारता है, ठीक है, तो इसलिए आरपीएस लिखा जाता है। कभी कभी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आरपीएस की जगह आरपीएम में भी लिखी जाती है, आरपीएम। एक और यूनिट हो गया आरपीएम, मिनट। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना इट इज सपोज ऐसा दिया हुआ है 180 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी 180 आरपीएम, मतलब 180 revolutions आर कंप्लीटेड इन पर मिनट, ठीक है, आरपीएम भी चल सकता है। लेकिन अभी होगा क्या, अगर आपको आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम यूजुअली सेकंड्स में होना चाहिए, इनटू 60। हाँ, अब या थोड़ा सोच के बताओ, आरपीएम से आरपीएस में लाना है, मतलब मिनट से सेकंड्स में लाना है, तो शुड आई मल्टीप्लाई विद 60 और आई शुड डिवाइड विद 60? डिवाइड उसका मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ डिवाइड बाय 60 क्यों है। एक बात बताओ स्टूडेंट, आप 1 मिनट के अंदर आप लोग जितना काम कर सकते हो, वट एवर वर्क यू कैन डू इन 1 मिनट, उससे 60 टाइम्स कम काम आप 1 सेकंड में करोगे कि 60 टाइम्स ज्यादा कर लोगे 1 सेकंड में? वट एवर वर्क यू आर डूइंग इन 1 मिनट, जो भी आप 1 मिनट में कर सकते हो उससे 60 टाइम्स कम आप 1 सेकंड में करोगे ना, 60 टाइम्स ज्यादा तो नहीं करोगे। दैट्स व्हाई ये सोचो, ये जो 180 है ना, 180 इज डन इन 1 मिनट, तो 1 सेकंड में तो आप इससे 60 टाइम्स कम करोगे ना, इसलिए डिवाइड बाय 60 है। रिमेम्बर 180 डिवाइड बाय 60 होगा, दैट इज 3 नाउ इट विल बी आरपीएस। सो रिमेम्बर टू कन्वर्ट फ्रॉम आरपीएम टू आरपीएस डिवाइड बाय 60 होगा। अगर आपको लगता है सर मेमोरी वीक है बोल जाऊंगा तो लिख के ले लो नोटबुक में कहीं पे, टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आरपीएम टू आरपीएस डिवाइडेड बाय 60। सर रिपीट करो, टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आरपीएम टू आरपीएस मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड डिवाइड बाय 60। एवरीबॉडी क्लियर? काफी कुछ बता दिया, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड भी लिख सकते हो, 1/2 सेकंड पर सेकंड, या इसको लिख सकते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड्स। क्लियर सर? यस या बोलो सर। आरपीएम कार्स और बाइक में भी होते हैं ना? हाँ, वो आपको देखो आपका मतलब इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड यू, अगर आप आसपास चीजों में ध्यान देते हो तो कार्स और बाइक में भी जो है ना एक मीटर होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट का, आरपीएम का। वो क्या बताता है कि आपका जो टायर है ना, टायर 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने राउंड्स मार रहा है, टायर गोल गोल घूमता है ना, रोटेट करता है ना, तो वो 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने रोटेशंस करता है वो भी मेंशन होता है आरपीएम में। कार्स में तो होता ही है, बाइक्स में भी आई थिंक होता है, कुछ बाइक्स में तो होता है, ये मे बी किसी उसमें ना हो,
बट मोस्ट ऑफ द बाइक्स में होता है, एक मीटर आता है रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा होता है, ठीक है, ये रहता है बाइक्स में भी. Yes. तो वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द टायर, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सी लेट्स गो फर्दर. तो देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक चीज बताई दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टी जो टाइम पीरियड होता है, एक होता है टाइम पीरियड और एक होता है फ्रीक्वेंसी. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा करके भी चीज होती है. ओमेगा कांस्टेंट होती है कि ओमेगा चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर? कांस्टेंट. ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, राइट. सो नाउ नेक्स्ट चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन के बीच में रिलेशन, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन. मतलब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें वी विल कनेक्ट ओमेगा विथ टाइम पीरियड, ओमेगा और टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पता है ये जो सर्कुलर मोशन है ना, इसमें ये जो डेरिवेशन मैं अभी कर रहा हूँ बस दो दो मिनट में होती जाती है डेरिवेशन. ये खाली एक ही डेरिवेशन बड़ा है इस चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में एक ही बड़ा डेरिवेशन है, बाकी सब छोटे छोटे से शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं. देखो अभी ये कैसे करेंगे. डू यू रिमेम्बर ओमेगा जो रहता है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज थीटा अपॉन टी, कुछ याद है थीटा अपॉन टी? यस. थीटा इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, एंड टी इज अ टाइम दिस डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड. ऑकर्ड, हाँ. थीटा बाय टी, ये तो आपको मालूम है. सपोज मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक वन रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर वन फुल रेवोल्यूशन. तो एक पूरे रेवोल्यूशन में एनीबडी टेल मी ये थीटा कितना कवर्ड होगा? अगेन शेरोन साजिद, 2 पाई. हाँ शेरोन साजिद एकदम बहुत जल्दी टाइप कर लेती है, 2 पाई, गुड. शेरोन वर्गीज ऑल्सो, ठीक है, 2 पाई. ये वन रेवोल्यूशन में, और ये जो स्मॉल टी है टाइम है ना, एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा, आई एम स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होता है? एनी आइडिया? एक रेवोल्यूशन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी. ओके गुड, कैपिटल टी. तो ये दोनों आपको मालूम है, दिस आर स्ट्रिक्टली फॉर वन रेवोल्यूशन. ये दोनों वैल्यूज में ऊपर पुट कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर थीटा और ये पर्टिकुलर टाइम. सो ओमेगा मुझे मिलेगा, थीटा विल बी 2 पाई, टाइम विल बी कैपिटल टी. ये हो गया ना. इसमें देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, अब पाई को कांस्टेंट माना जाता है. 2 पाई इज लाइक कांस्टेंट, आई कैन से ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन टी. 2 पाई को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं कि इट इज कांस्टेंट, मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. हो गया ना, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स, इनवर्स, यस. इसका मतलब है कि अगर आपका जो सर्कुलर मोशन है उसमें ओमेगा काफी हाई है, इफ ओमेगा इज हाई, मतलब बॉडी बहुत तेजी से घूम रहा है, बॉडी इज रिवॉल्विंग वेरी फास्ट क्योंकि ओमेगा हाई है, तो उसको टाइम कम लगेगा ना रेवोल्यूशन फिनिश करने के लिए, टी विल बी वेरी लो. यस, सिंपल है. अगर आप अपनी स्पीड ज्यादा रखोगे तो आपको समय कम लगेगा ना चीजें कंप्लीट करने में, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. स्पीड कम रखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वही है ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी. चलो आगे बढ़ते हैं. एनीबडी, दिस फॉर्मूला वी गॉट 2 पाई बाय टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इनटू 1 अपॉन टी. यस यस. ये देखो ये व्हाट इज दिस 1 अपॉन टी? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी n, दैट इज n, 2 पाई n, इट विल बिकम 2 पाई n. गुड गुड गुड. ओमेगा इज 2 पाई n. इसमें भी अगर मैं बोलूं 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई इज अ फिक्स्ड नंबर, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है. जितना अगर आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, एज योर एंगुलर वेलोसिटी विल बी मोर, एज ओमेगा विल बी मोर, एन विल बी मोर. देखो समझ के देखो, जितना आपका स्पीड ज्यादा होगा, बॉडी जितना तेजी से घूमेगी उतने वो ज्यादा रेवोल्यूशंस फिनिश करेगी ना पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका, रेवोल्यूशन पर सेकंड ज्यादा होगी. तो ये दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एन टी एंड ओमेगा एन एन. देख लिया रिलेशन कैसा है? बहुत डिफिकल्ट है ना रिलेशन? देखो 75% जो फिजिक्स है ना वो ऐसा ही होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाता है. थोड़ी सी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड लॉजिकल. कुछ नोट करना है तो कर लो इसमें. डन सर, डन सर,
ये इतना जल्दी डन कर देते हैं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? नो सर, लिख रहे नो सर लिख रहे टाइटिंग में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाएगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा वो। लिखेंगे अपने हाथ से ना तो आपके दिमाग में भी वो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, राइटिंग इज गुड, अपने हाथ चलने चाहिए, यू शुड वर्क। या कंप्लीटेड? नो नहीं, ठीक, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी और ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. Okay. Okay. So we completed this. अब देखो, आगे बढ़ता हूँ। अगेन हम लोग एक छोटी सी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज ये ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा आज ही। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, सी इन दिस चैप्टर you come across a new type of velocity, apne nayi velocity seekhi hai, angular velocity, lekin angular velocity apne pehle ke chapters mein kabhi nahi suni hai. Pehle ke chapter mein jo apne velocity suni hai, is it measured in meter per seconds? Linear, yes, usko maine kal bataya tha, linear velocity, linear velocity. To abhi kuch student ko yahan pe aise aise matlab aise lag raha hoga ki shayad jo body circular motion karti hai uske paas sirf angular velocity hoti hai, क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी ही पढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है सो डेफिनेटली इट हैज एंगुलर वेलोसिटी, बट उसके साथ साथ लीनियर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि लीनियर वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया उसको। सो नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ वेलोसिटीज, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। दैट इज अ न्यू रिलेशन। नाउ पुट दिस हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इससे आपको यह भी समझ में आएगा अभी कि सर्कुलर मोशन में भी लीनियर वेलोसिटी होती है, और कैसे होती है वो देखेंगे। सो यू रेडी फॉर इट? ठीक है, चलो आते हैं काम पे। ठीक है, अगेन बहुत ही छोटा सा और सिंपल डेरिवेशन है ये भी, नॉट वेरी कॉम्प्लीकेटेड। इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इट कैन बी बोथ। दोनों के लिए हम लोग डिराइव करेंगे, इट मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे घूम रहा है देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो, व्हाइल रिवॉल्विंग, जब ऐसे घूम रहा है, सपोज द पार्टिकल विल अराइव एट पी पॉइंट, पार्टिकल पी पॉइंट पे अराइव हुआ। सो इफ आई ड्रॉ दिस, ये देखो इधर रेडियस वेक्टर ना, यस यस, ठीक है। अब देखो बॉडी पी पॉइंट पर है, उसके बाद क्या होगा कि आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दो, गिव सम टाइम टू दिस बॉडी, तो विद इन द स्मॉल टाइम बॉडी थोड़ा आगे बढ़ेगा, और सपोज बॉडी आगे बढ़ के क्यू तक पहुंचा, इट रीचेस फ्रॉम पी टू क्यू इन द सम टाइम। जब बॉडी क्यू पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा, इट्स अ न्यू रेडियस वेक्टर नाउ। सो यहां पे आप देखोगे रेडियस वेक्टर हैज रोटेटेड, रेडियस वेक्टर रोटेट हो गया है बाय दिस मच एंगल ना, थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट यू अंडरस्टैंड, बट एक बात बताओ, अगर पी से क्यू तक डायरेक्टली मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, If I draw one shortest line from P to Q, P से Q तक देखो मैंने एक shortest line बनाई है, सीधी सीधी एक line बना दी है मैंने P से Q तक, ऐसे करके देखो, तो ये जो मैंने P से Q shortest line बनाई है, is it linear displacement? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए agree मत करो, आपको convince है तो ये हाँ बोलना, are you convinced that ये linear displacement? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको I think हम लोग वो S से denote करते हैं, linear displacement S से denote करते हैं. S bar. Yes. S bar. ठीक है, अच्छी बात है, S से denote करते हैं, तो इसको S से denote कर देते हैं, ठीक है? ये देखो हो गया। लेकिन एक बात है, P से Q तक जो path follow हुआ है, path
वो पाथ देखो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो ये पाथ दिख रहा है क्या, ये जो आर्क है, आर्क दिख रहा है, PQ इज आर्क ना, आर्क देखो आर्क, यस। एक बार अगर मैं आर्क को बोलूं, ये जो आर्क है इसको मैं लिखता हूँ, आर्क की जो लेंथ है वो एक्स है, एक्स इज अ लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो एक्स बड़ा है कि एस का जो एस बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें से, एस एस बड़ा है, अच्छा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस तो डायग्राम वेरी क्लियर, कुछ डाउट है डायग्राम में? नो सर नो। हाँ अब देखो, आपको मैथमेटिक्स में एक रिलेशन आपको बताया गया होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा मैथमेटिक्स में। यस सर यस, पता ये जो रिलेशन है मैथमेटिक्स में, एस इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस, इसमें ये S क्या होता है, आर्क लेंथ और कुछ और होता है ये S? लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना है, यहाँ पे x, 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 तो ये फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और मैं लिखूंगा यहाँ पे x इज इक्वल टू आर थीटा, इजंट इट, आर थीटा। हाँ अब सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो अभी, अब सुनो, अज्यूम करो, ध्यान से सुनो अभी, अज्यूम करो कि जब बॉडी पी पॉइंट पर आई ना, व्हेन बॉडी रीचेस एट पी पॉइंट, उसके बाद मैंने Q टाइम तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम दिया होगा, इट विल टेक सम टाइम टू रीच फ्रॉम P टू Q, वो टाइम हम लोग इसको बहुत ही कम देते हैं, लेट्स से आई एम गिविंग इट अ टाइम ऑफ डेल्टा T, ये देखो यहाँ पे लिखा है, बहुत ही कम टाइम दिया है इसको मैंने आगे जाने के लिए आफ्टर P पॉइंट, डेल्टा T इतना छोटा टाइम है, द डेल्टा T इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी स्मॉल टाइम गिवन। तो एक बात, अगर बहुत ही कम टाइम देंगे, डेल्टा T इज अ वेरी लिटिल टाइम गिवन, तो बॉडी ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा ना, थोड़ा सा ही आगे जाएगा। Yes. हाँ तो P और Q जो पॉइंट है ना, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सुनो स्टूडेंट, एक अज्यूम करो कि P और Q पॉइंट है ना, दे आर एक्सट्रीमली नियर टू ईच अदर, P पॉइंट है, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट जो पॉइंट है वो Q है, और P और Q एकदम नेबरिंग पॉइंट है, वेरी नियर पॉइंट्स, और P और Q के बीच का मैं ये पूरा मोशन देख रहा हूँ। सो डायग्राम में आपको जो P और Q दिख रही है ना, इमेजिन करो कि ये इतना डिस्टेंस पे नहीं है, एक्चुअली सपोज P और Q आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। तो एक बात, अगर P और Q बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हैं, तो इसे थीटा भी बीच में बहुत कम एंगल होगा कि बड़ा सा थीटा है? यस बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा, छोटा होगा। देखो इसको मैं डेल्टा थीटा लिख देता हूँ, स्मॉल। अच्छा, P और Q पॉइंट दोनों आपने बोला बहुत नियर है एक दूसरे के, तो ये जो S और X लिखा है, X एंड S, ये भी आई थिंक बहुत छोटे छोटे होंगे क्या? कि बड़े yes. होंगे? Yes. छोटा होगा, छोटे होगा, छोटा होगा। इसको मैं लिखूंगा डेल्टा S एंड ऑल्सो डेल्टा X, सब जगह देखो मैंने डेल्टा लिख दिया है। अब थोड़ा सोच के आंसर देना मुझे, अगर P और Q आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत ही नियर है P और Q, तो रेडियस भी छोटा होगा क्या, कि रेडियस उतना ही रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, इट विल बी सेम। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर आप सबको डेल्टा दे रहे हो तो आर भी डेल्टा आर हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है, रेडियस थोड़ी छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, समझा ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट पी एंड क्यू आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, तो अगर ये सब छोटे छोटे हैं, P और Q पॉइंट बहुत नियर है ना, सो ये जो डेल्टा X है ना, डेल्टा X विल बी नियरली इक्वल टू डेल्टा S, डेल्टा X और डेल्टा S नियरली इक्वल होंगे, ये तभी होगा जब P और Q बहुत क्लोज है, isn't it? Yes. Yes. तो जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नियर है, तो उसमें आप X को ड्रा करो या ये जो S है उसको ड्रा करो, एक ही बनेगा वो, मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सो देखो आपने ये जो मुझे फॉर्मुला बताई, X equals to R theta, this formula you told me, है ना, तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है x इक्वल टू आर थीटा, सबसे पहले वो फॉर्मूला ऐसे बनेगी, डेल्टा x इज इक्वल टू आर इनटू डेल्टा थीटा, सबसे पहले फॉर्मूला ऐसे बनेगी, उसके बाद डेल्टा x जो है इट विल बी नियरली इक्वल टू, डेल्टा x विल बी नियरली इक्वल टू डेल्टा s, है ना, डेल्टा x विल बी नियरली इक्वल टू डेल्टा s, x और s इक्वल होंगे, सो ये इधर पुट कर देते हैं, सो इट बी डेल्टा S is equal to R into delta theta. समझ में? Yes. Yes. हाँ, अब क्या करेंगे? Next step में, in the next step, both sides
वी विल डिवाइड बाय डेल्टा टी. ठीक है, देखो दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड किया. डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें बॉडी पी से क्यू तक गया है. इट्स अ टाइम टू गो फ्रॉम पी टू क्यू. और मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही कम टाइम दिया है मैंने, इसलिए पी और क्यू नियर पॉइंट्स थे ना. सो टाइम बहुत कम दिया था, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट्स डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. ऐसे लिख सकते हैं. जब ऐसे लिखते हो ना, इसका तभी प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों पॉइंट नियर है, कि डेल्टा टी जीरो लिखा है. यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, कुछ डाउट है तो पहले बोलो. यस सर. डायग्राम आपने अगर बनाया है तो ठीक है, नहीं तो बाद में बना लेना. याद रखो सिंपल है, एक्स विल बी इक्वल टू एस. एक्स और एस इक्वल होंगे व्हेन पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, नहीं बनाया तो आप बाद में बना लो, आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, डायग्राम. ठीक, अब थोड़ा आगे सोचते हैं. ठीक है, कम टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, थोड़ा सोचो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी से क्या मिलेगा. लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी. यस, डेल्टा एस इज अ वेरी स्मॉल बट डिस्प्लेसमेंट है. डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. Divide by time, it will give you linear velocity. लेकिन एक बात, आपने बहुत ही छोटा displacement लिया है और बहुत ही छोटा instantaneous linear velocity. It will be the velocity exactly at P point. P point पर जो velocity है वो मिल जाएगी. अच्छा, ये r तो वैसे रहेगा. अभी देखो यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा. ये भी instantaneous ही है. It is also instantaneous m omega. तो देखो relation आ गया. V कितना होता है? R omega. R times omega. This is a formula for magnitude of the V. Velocity, linear velocity जो है ना, उसका magnitude है ये. Direction of V मैं आपको बता दूंगा बाद में. This is a formula to calculate magnitude of the V. So can I say linear velocity is equal to radius times angular velocity. It is a relation between the two velocities. Got this? नहीं बनाया तो बना लो पहले अच्छे से. इफ यू हैव नॉट ड्रॉन द डायग्राम यू कैन ड्रॉ इट. सर थोड़ा ऊपर लो ना. और ऊपर लो डायग्राम को. इससे बड़ा नहीं हो सकता है अभी. इज इट डायग्राम के बाजू वाले में लिखा. यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो. x is equal to r theta. पॉइंट्स p एंड q आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. डन सर. ओके ठीक है, वेरी क्लियर. सर वेट. सर दो मिनट पीछे लो ना. सर डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डेल्टा एस. एस है ना? देखो एस जो है ना, एस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं. और जो एक्स है, एक्स इज डिनोटिंग द आर्क लेंथ. लेकिन दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर पी और क्यू पॉइंट बहुत नियर है. इतना नियर पॉइंट है तो दोनों में एक्स और एस में कोई फर्क नहीं. ओके सर, एवरीबॉडी फिनिश्ड? यस सर. ठीक है सर. यस सर. देखो सर ऊपर लो ना. हेलो. अरे हाँ, ये लो, लिखा, जल्दी लिखो सर. हाँ बोलो सर. ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा ना? नहीं. क्यों? आपको यहाँ से इस फॉर्मूला से सोचा क्या वी और ओमेगा डायरेक्शन सेम होगा? ये फॉर्मूला से सोचा क्या आपने कि इस साइड वी है, उस साइड ओमेगा है, तो डायरेक्शन सेम होगा दोनों का? ऐसा नहीं है. ये जो क्योंकि बीच में आर जो आ गया, आर भी रेडियस वेक्टर है. आर इज आल्सो वेक्टर. सी ये मैग्नीट्यूड है. दिस इज अ फॉर्मूला विथ विच यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी. डायरेक्शन में समझा दो ना. आई विल गिव यू द कन्विंसिंग
पॉइंट, कुछ कन्विंसिंग पॉइंट दूंगा, सब समझ जाओगे डायरेक्शन कैसे है, आप कन्विंस हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कंप्लीटेड? हाँ यस। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी मैं क्या करूंगा, आपको वी का डायरेक्शन समझा देता हूँ कि वी का डायरेक्शन कैसे होता है। ये देखो, सी सपोज जो पार्टिकल है, जो द पार्टिकल हु इज डूइंग सर्कुलर मोशन, सपोज वो पी पॉइंट पर है इधर, ठीक है, पी पॉइंट पर है। उसके बाद अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूं, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा, ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक जो डिस्प्लेसमेंट था वो यही है, मतलब ये वो है डेल्टा एस है, डेल्टा एस, ठीक है, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है। अब रूल क्या होता है, रूल ये है कि जो डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी को मिलता है। कल भी मैंने यही कहा था ना, जो थीटा का डायरेक्शन है वही ओमेगा को मिला था, याद है? तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो सकती है और किसी डायरेक्शन में नहीं जाती वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो ऐसा है, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा, ये देखो ऐसे, ओके, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बराबर एक इंस्टेंट पे जब बॉडी पी पॉइंट पर है तब उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा लगेगा कि दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द पी पॉइंट ना, इज इट अ टेंजेंट ऑन द सर्कल टू पी पॉइंट, यस यस। ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का भी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, और यही डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का भी है, दोनों का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। अब किसी को अगर ये डाउट है कि सर ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, ओमेगा या थीटा का डायरेक्शन, तो वो ऐसा है, ये देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिख रहा है क्या? यस। कल बताया था राइट हैंड थंब रूल से, ये देखो देखा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ये निकालने के टाइम पे राइट हैंड यूज कर देना, ठीक है, लेफ्ट हैंड मत यूज कर देना, ठीक है। तो ओमेगा डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, इज इट टेंजेंट ऑन द पाथ, ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये चलो मैं आपको mention, ये पॉइंट मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ, राइट डाउन द सेंटेंस, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, direction of linear velocity of the particle direction of linear velocity of the particle is always tangent on the circular path, is always tangent on the circular path, ठीक है, बस ये सेंटेंस मेंशन होगा तो आपको याद आएगा पढ़ने पे कि क्या है। दैट्स व्हाई इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कभी कभी, कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। गॉट दिस? यस सर। टेंजेंशियल रहता है, ठीक है, सी आगे बढ़ सकते हैं। अभी सर्कुलर मोशन में बस एक लास्ट डेरिवेशन, लास्ट टॉपिक ही बाकी है एक्चुअली, बट उसमें जाने से पहले ना मैं कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ ऑन द सर्कुलर मोशन की, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल एक दो कर देते हैं, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक कर देंगे विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। आई एम टारगेटिंग, टारगेट ये है कि कल तक ये चैप्टर की थियरी फिनिश हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर तक, ओके, सो लेट्स डू इट क्विकली। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट ऑन वन न्यूमेरिकल, इसमें लिखो, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, यहां पे लिखा है मैंने स्क्रीन पे, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड of the clock, minute hand of the clock, full stop, also calculate the linear velocity
also calculate the linear velocity of tip of minute hand. Also calculate the linear velocity of the tip of minute hand. If the hand is 10 centimeter long, if the hand is 10 centimeter long, question likha sabne? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक बार बता, ये यहाँ पे मुझे quickly quickly answer मिल रहे हैं. Sharon Saji और other students are giving quick answers. ये old batch की student है कि new वाले भी? New वाले ऐसा ना हो कि old batch वाले answer देते जाएं. दोनों भी. New batch. Old. New batch. New batch. New batch. New batch. Both है both. Obviously दोनों mix होंगे. Both है both. Let me complete. मुझे मालूम है mix ही होंगे. कुछ answers old वाले देंगे, कुछ answers new वाले देंगे. वो मुझे मालूम है. मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है, those who are from the new batch, उनको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि वो आंसर्स ही नहीं दे रहे हैं. Is it a new batch के स्टूडेंट्स, बताओ, are you getting this topic? Yes, sir, समझ रहा है. Yes, sir, समझ रहा है. समझ रहा है. Yes, sir. हाँ, मुझे बस डर वही है, ऐसा ना हो कि ओल्ड वाले आंसर देते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सबको आ रहा है एंड आई एम गोइंग अहेड टू क्विकली. ऐसा तो नहीं हो रहा ना? ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो रीड द क्वेश्चन. इसमें लिखा है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक है, उसका जो ओमेगा निकालना है. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी. सो ये क्वेश्चन जो है क्लॉक के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द क्लॉक. तो लुक एट द डायग्राम. सपोज आपका जो घड़ी है, जो क्लॉक है, उसमें 3 o'clock हुआ है सपोज. तो इसमें आपको मालूम है मिनट हैंड किसको बोलेंगे? जो 12 पर है, दैट इज कॉल्ड मिनट. Whenever it is 12, whenever it is 3 o'clock, ऐसा, तो जो 12 पे होगा, that is called minute hand, ठीक है? Yes. इसकी हमें क्या करनी है? Angular velocity निकालनी है, मतलब omega. ध्यान से देखो. Actually मैं omega क्यों निकालनी है वो देखो. Suppose ये जो minute hand है ना, if you take any point on the minute hand के ऊपर आप कोई भी point ले लो, जब ये minute hand rotate करता है, actually the minute hand rotates, minute hand है वो rotate करता है. बट इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द मिनट हैंड, वो पॉइंट ऐसे घूमेगी. देखो, तो ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द मिनट हैंड आर दे मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ना? यस यस. तो इसका ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. याद है ये फॉर्मूला? यस. इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओमेगा. जब भी ओमेगा निकालना हो तो ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होती है. एक बार बताओ, ये जो मिनट हैंड है, ये कितने टाइम में अपना रेवोल्यूशन फिनिश करता है वो आपको पता होगा? 60 सेकंड. वापस ये 12 पे कब आएगा? हाँ, 60 सेकंड. कमाल है, आपका क्लॉक काफी अलग है मेरे. 1 hour. 60 minutes. भाई अभी देखो 3 बज रहे हैं, देखो घड़ी में देखो 3 बज रहे हैं. जब ये 4 बजेंगे ना, व्हेन इट विल बी 4 o'clock, तब वापस ये 12 पे आ जाएगा. ये सेकंड हैंड नहीं है, सेकंड वाला काटा नहीं, मिनट वाला है. 60 मिनट्स के बाद ये वापस आएगा, 60 सेकंड्स के बाद नहीं, ठीक है? सो देखो यहाँ पे जो टी है ना, टी से टाइम पीरियड वो इतना होगा. देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? चलो मैं आपको नॉलेज चेक कर देता हूँ. एक बात, जो ये 3 पे है, जो ये 3 पे है, इसको आवर हैंड कहते हैं. आवर हैंड, यस. ये कितने टाइम में अपना रेवोल्यूशन फिनिश करेगा? 12 hours. अभी देखो, सपोज ये दोपहर के 3 हो रहे हैं, इसे आफ्टरनून 3, तो रात के 3 बजे ये वापस 3 पे आएगा ना? यस. 12 o'clock के बाद, 12 आवर्स के बाद, सॉरी, 12 hours. टाइम, हाँ, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग मिनट हैंड. तो मिनट हैंड का टी 60 मिनट्स है, ऐसे लिखने का. अब देखो, 1 minute is 60 seconds, वो आपको मालूम है. तो 60 minutes will be 60 into 60 seconds. 3600 seconds. 3600 seconds. ये जो time period है ना, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो हमें omega मिलेगा. Omega will be, ध्यान से देखो, 2π divided by t, which is 3600. ठीक है, t मैंने put किया.
तो 2 का टेबल 3600 पे लग जाएगा, इट विल बी पाई अपॉन 1800. ठीक है, आपको अगर याद है ओमेगा का यूनिट याद है किसी को, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड, आरपीएस. रेडियन पर सेकंड, इट इज नॉट मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी आती है रेडियन पर सेकंड में. देखो अगर आंसर रेडियन पर सेकंड में ना, तो एक रूल है आप पाई में छोड़ सकते हो. आंसर रेडियन में है तो पाई में चल सकता है. पाई अपॉन 1800 रेडियंस पर सेकंड, दैट इज आंसर. यहां पे पाई पुट करने की नीड नहीं है. लेकिन अगर आंसर में रेडियन नहीं है, लेट्स से यूनिट में कोई रेडियन ही नहीं है, तो आप पाई में नहीं छोड़ सकते. रेडियंस में पाई आता है तो चल जाता है. इफ रेडियंस इज नॉट देयर, पाई भी नहीं चलेगा. फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पाई डिग्री है. पाई देखा आप छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. डिग्री पर, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, रेडियंस में चलता है ना. टेल मी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि कोई आंसर मेरा आ रहा है पाई रेडियंस, तो रेडियन इज ऐसा यूनिट और नो? रेडियन एक ऐसा यूनिट है. ऐसा यूनिट. यस. आंसर, अगर मेरा आंसर आ रहा है पाई रेडियंस या पाई अपॉन 3 रेडियंस या पाई अपॉन 10 रेडियंस, तो मैं उसमें पाई को थोड़ी सब्स्टिट्यूट करूंगा, पाई में छोड़ दूंगा ना उसको मैं. तो यू कैन लीव इट लाइक दिस, डोंट वरी. ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. किसका लीनियर वेलोसिटी? किसका लीनियर वेलोसिटी? टिप. मिनट 10. टिप ऑफ मिनट 10. देखो, लुक एट दिस डायग्राम. ये जो 12 पे आ रहा है, जो 12 पर है वो मिनट हैंड है. उसका टिप देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया टिप को. ये टिप है. टिप ऐसे घूमेगी क्या? देखो. यस. तो एनीबॉडी, ये जो मिनट हैंड है ना, इसका जो लेंथ है, लेंथ देखो, लास्ट मैंने 10 सेंटीमीटर दिया है मैंने इसका लेंथ. यस. देखो ये, देखो लुक स्क्रीन, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर. तो ये जो टिप है, टिप इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. टिप जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ? 10 सेंटीमीटर. तो ये जो टिप है ना, टिप ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है. उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है. तो टिप के लिए मैं देखो ये फॉर्मुला लिख रहा हूँ. वेलोसिटी ऑफ द टिप इज इक्वल टू दिस थिंग. क्योंकि देखो आपने मुझे बताया टिप जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है. तो जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है उसका v इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ना, आर ओमेगा. रेडियस कितना डालें? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. सेम एज 0.1 मीटर. प्लीज मीटर में कन्वर्ट करो. इफ यू कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर इनटू मीटर, इट इज 0.1 मीटर. याद रखो, लेंथ हमेशा मीटर में पुट करनी है, बिकॉज मीटर इज एसआई यूनिट. डोंट पुट इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज अ सीजीएस यूनिट. सो एसआई में पुट करेंगे 0.1 मीटर. ओमेगा कितना है? ओमेगा इज पाई अपॉन 1800 ना. सो अल्टीमेटली ये पाई अपॉन 18000 हो जाएगा एक्चुअली. यस. बिकॉज ऑफ द 0.1 इट विल बी पाई अपॉन 18000. उसमें एक स्टूडेंट क्या करो, मैं आगे सॉल्व करना बताता हूँ, बट पहले आप ये पहले फिनिश कर लो, नोट कर लो जो करना है. कैलकुलेशन में आगे करता हूँ फिर. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सब लोग नोट कर लो. हाँ, सो इट विल बी अल्टीमेटली वेलोसिटी आएगी पाई अपॉन 18000. पाई डिवाइड बाय 18000 इट विल बी. अब तो हो गया है, आई होप सो. सो वेलोसिटी ऑफ द टिप विल बी पाई डिवाइड बाय 18000 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पाई को नहीं छोड़ सकते. पाई मीटर इज नॉट गुड. पाई रेडियंस यू कैन लीव, पाई रेडियंस बट नॉट पाई मीटर्स. तो पाई की वैल्यू आप डालेंगे 3.14, और नीचे 18 को आप अलग कर दो, और जो ये 1000 है उसको लिखेंगे 10^3. ओके, 18 की टेबल आती है क्या कि नहीं आती? आती है, आती है सर. आती है. Yes. तो देखो 18 का टेबल 3 पे तो नहीं लगेगा, 0 होगा. 18 का टेबल 31 पे लगेगा. 1 बाकी बचेगा 13 1 3. हां, इट विल बिकम 134. 18 7 126. यस, 18 7 126. सो 7 टाइम लगेगी. देखो अगर किसी को 18 की टेबल नहीं आती है तो आप क्या करना, पहले 3 की टेबल लगा देना दोनों के ऊपर. 3 की टेबल के बाद में 6 की टेबल लगाना.
हो जाएगा 18 फिर 36 अल्टीमेट अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा 0.17 मीटर पर सेकंड. 77 रिकरिंग होगा एक्चुअली उसके बाद, नहीं रिकरिंग तो नहीं होगा आई एम श्योर 136 ना, नहीं रिकरिंग तो नहीं होगा 17 के आगे एक दो डिजिट आएगी सर. 10^3 का हां वो भी है ना. यस वो 10^3 के टाइम से -3 -3 हो जाएगा सर. ऊपर लेंगे तो 10^-3 होगा ना. सो 0.17 × 10^-3 मीटर पर सेकेंड. देखो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10^-3 मीटर है ना. 10^-3 मीटर को मिलीमीटर बोल सकते हैं. 10^-3 पावर मीटर इज मिलीमीटर. तो अब एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो 0.17 मिलीमीटर पर सेकेंड. देखो कंपलसरी नहीं है मिलीमीटर में लिखना, यू कैन कीप इन मीटर आल्सो नो प्रॉब्लम, करेंगे तो भी चलेगा ये मिलीमीटर में. देखो एक बात बताओ, अगर हम लोग बाय चांस गलती से 10^-3 नहीं लिखते, 10^+3 लिख देते, बाय चांस हम लोग प्लस 3 लिख देते 10^+3, तो ये वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती क्या? बहुत हाई वेलोसिटी होती. यस यस. आप खुद सोच के देखो, जो क्लॉक रहता है, क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है वो इतना तेजी से घूमता है क्या कि उसकी स्पीड स्पीड 10^3 मीटर पर सेकंड में होगी? नहीं ना. आई थिंक बहुत स्लोली घूमता है मिनट हैंड. yes. अभी उसको एक घंटा लग जाता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो इसकी स्पीड देखो इतनी कम है, इट्स 0.17 मिलीमीटर पर सेकंड. ठीक है, हर एक सेकंड में वो जो टिप है ना, वो टिप जो है वो 0.17 मिलीमीटर आगे बढ़ती है. ठीक है, गेटिंग? वेरी क्लियर. कुछ नोट करना बाकी है क्या? हो गया सबका? यस यस. ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन देन वी विल गो अहेड. नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें लिखो, द टायर ऑफ अ व्हीकल, द टायर ऑफ अ व्हीकल is revolving, the tire of a vehicle is revolving at the rate of 300 rpm. 300 rpm. okay, full stop. Calculate the angular and linear velocity. Calculate the angular and linear velocity of any point on the tip of the tire, on the circumference of the tire. Look. Any point on the circumference of the tire. Calculate the angular and linear velocity of any point on the circumference of the tire. Okay. और आपको टायर का रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द टायर गिवन है. ठीक है, रेडियस है 30 cm. 30 रेडियस इज 30 cm. सर्कमफेरेंस ऑफ टायर, TYRE टायर. और उसके बाद रेडियस ऑफ टायर गिवन है, गिवन रेडियस ऑफ द टायर, टायर का रेडियस है 30 cm. स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है. वुड यू लाइक टू ट्राई? क्योंकि ये सिमिलर है, क्लॉक के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है स्लाइटली. ट्राई करो, शायद आपसे हो जाए. इसमें भी आपको ओमेगा और वी दोनों निकालने हैं. ट्राई करो, जिसको ओमेगा आ जाएगा वो बता सकता है फिर. If you get omega, 10 pi. What's your name? Shubham Padi. Okay, Shubham Padi. आप old batch के ना शायद, new batch के हो? 10 pi. Old batch. हाँ, तभी speed पकड़ रहा तू इतना. ठीक है ठीक है. ये रिपीट नहीं लग रहा है तुम लोग को? बोर हो रहा है क्या? रिपीट लग रहा होगा सेम सेम. नहीं सर, रिवीजन करना है. रिवीजन हो रहा है. अच्छा, आज फिलहाल एक ही लेक्चर है आप लोगों के, दो थे?
सर दोनों फर्स्ट और थर्ड बैच का सेम ही है. अच्छा दोनों के सेम लेक्चर्स चल रहे हैं. यस ओके. नहीं फिजिक्स में अच्छा हो रहा है, एक बार और रिवीजन मिल जाए 2-3 महीने बाद तो अच्छा हो जाता है, वो चीजें ब्रश अप हो जाती है. ठीक है आंसर इज 10 पाए स्टूडेंट. ओमेगा का आंसर है 10 पाए रेडियन पर सेकेंड. वो 300 आरपीएम को आप कन्वर्ट करो आरपीएस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? Divide by 60. तो आई थिंक 5 आरपीएस आएगा, 5 आरपीएस. उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू एन. आज बताया था ये फॉर्मूला, ओमेगा इज 2 पाई इंटू एन. तो एन इज 5 आरपीएस, इट बिकम 10 पाई. अच्छा लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? 9.4 पर सेकंड. कितना? 9.42 मीटर पर सेकंड. 9.42 मीटर पर सेकंड करेक्ट है. 9.42 मीटर पर सेकंड. ये टायर की जो टिप है उसकी वेलोसिटी है राइट. तो टायर इतना स्लोली नहीं घूमता है जितना क्लॉक स्लोली घूमता है. इसकी स्पीड देखो इतनी कम भी नहीं आ रही है, 9 मीटर पर सेकंड तो आ रही है कम से कम. ठीक है तो फिजिक्स की जब भी आप आंसर्स निकाल दो ना, आप फील कर पाओगे कि हाँ ये हो सकता है. क्लॉक की स्पीड ज्यादा नहीं होती है वो मालूम है, और टायर की स्पीड ज्यादा होती है कंपैरेटिवली. तो उसकी देखो 9 पॉइंट में आ रहा है. एवरीबॉडी क्लियर? यस यस. ठीक है तो सर्कुलर मोशन अभी देखो अपने एंडिंग पे आ रहा है जो हमने करना था. सर्कुलर मोशन में इतना बता देता हूँ मैं, 11th स्टैंडर्ड में सर्कुलर मोशन अभी आप पढ़ रहे हो, 12th में जब आप जाएंगे ना तो फिर से सर्कुलर मोशन आता है इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. हाँ उसमें भी क्या होगा, वहां पे जहाँ पे हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे 11th में, वहीं से स्टार्ट होगा 12th का. ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज्यादा 11th में ध्यान नहीं देते सर्कुलर मोशन पे, 12th में भी बिल्कुल नहीं समझता है फिर. सो आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा है. तो 11th में अगर क्लियर करोगे तो 12th में तकलीफ नहीं होगी फिर, क्योंकि ये रिपीट होगा 12th में सर्कुलर मोशन. और जेई या नीट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें तो एज अ होल पूरा सर्कुलर मोशन कुछ भी पूछ सकते हैं 11th या 12th का मिला के. एक्चुअली इन दिस 11th स्टैंडर्ड वी आर डूइंग 50% ऑफ द सर्कुलर मोशन, रिमेनिंग 50% इज इन 12th स्टैंडर्ड. ओके हमारे महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में ऐसा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट टॉपिक जो मैंने कहा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. लुक एट दिस केयरफुली स्टूडेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, लीनियर वेलोसिटी, वो अलोंग द टेंजेंट होती है, इट्स टेंजेंशियल ऑन द पाथ. सो टेल मी वन थिंग, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, लुक एट इट, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब बॉडी पी पॉइंट पर आएगा ठीक है, तो ऐसे देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द वी ना. जब बॉडी यहां पर पहुंचेगा क्यू पर, जो बॉडी क्यू पे आएगा तो एट द क्यू पॉइंट यू ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट थ्रू क्यू पॉइंट. ये वैसे यस ये होगा वी का डायरेक्शन. जब बॉडी यहां पर पहुंचेगा कहां पर, आर पॉइंट पे, सो एट आर पॉइंट यू ड्रॉ द टेंजेंट, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वी. सिमिलरली जब बॉडी एस पॉइंट पर आएगा, एस पे, तो एस पॉइंट पे आई विल ड्रॉ टेंजेंट लाइक दिस. ध्यान से ये डायग्राम देखो, अलग अलग पॉइंट्स पे सपोज मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, क्यू पॉइंट पर बराबर नहीं बनाए टेंजेंट, बाकी पॉइंट्स पर आई थिंक बराबर है टेंजेंट. ठीक है लेकिन टेंजेंट फील हो रहा है, तो क्या लग रहा है इस डायग्राम को देख के, ये जो वी है, वी इज अ लीनियर वेलोसिटी, इसलिए इट कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में चेंज होता रहता है और इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन. वी का जो डायरेक्शन है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है. तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी बार चेंजेस कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन. ठीक है मैंने लिख दिया. ठीक है एक बात हो, अभी v का डायरेक्शन देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. अब मैं v के मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ. देखो v का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, याद है? सो अगर UCM है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM में ये ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही होता है, रेडियस तो फिक्स है, रेडियस कांस्टेंट है, यूसीएम में ओमेगा भी कांस्टेंट होता है. टेल मी अगर आर और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है तो वी का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूसीएम,
नॉन यूसीएम है तो उसमें ओमेगा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. इफ ओमेगा इज दैट इज कॉल्ड नॉन यूसीएम. अगर ओमेगा चेंज होगा तो वी का वैल्यू जो आएगा वो भी इस फार्मूला से जो वी निकलेगा वो भी चेंज होगा. ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है. तो देखो, ठीक है, मैंने अभी क्लियर किया. अब देखो, हमारा ज्यादा जो फोकस है ना वो यूसीएम पे रहता है. मोस्टली वी विल डिस्कस अबाउट यूसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अगर मैं यूसीएम की बात करूं, यूसीएम में देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यूसीएम जो है वो भी तो सीएम ही होता है ना. यूसीएम इज ऑल्सो सीएम, मतलब यूसीएम इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन ना. तो यूसीएम में ऐसा होगा, डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा. तो क्या लगता है यूसीएम में भी डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का कि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा यूसीएम में? डायरेक्शन तो चेंज होगा ना. देखो ऐसे याद करो, यूसीएम जो है वो भी एक सीएम है ना, मतलब सर्कुलर मोशन है ना. तो सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा. तो देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इवन इन यूसीएम, यूसीएम में भी एटलीस्ट डायरेक्शन ऑफ द वी तो चेंज होता रहता है ना. अगर वी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वी वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेक्टर का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है. तो इवन दो आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन उसको बोला जाता है जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है. तो ओमेगा कॉन्स्टेंट है नो डाउट, लेकिन वी कॉन्स्टेंट नहीं है, वी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है यूसीएम में भी. इवन दो इट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म मोशन है, तो भी वी क्या हो रहा है, चेंज, क्योंकि एवरी यूसीएम इज अ सीएम. सीएम मतलब सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में तो ये तो ऐसा होता रहेगा ना. देखो ऐसा हो सकता है सर्कुलर मोशन में बॉडी सीधी सीधी लाइन में चलेगी, वी कॉन्स्टेंट रहेगा डायरेक्शन? नहीं, एवरी यूसीएम इज अ सीएम सर्कुलर मोशन, तो वी तो चेंज होगा. ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. तो ध्यान से देखो, अगर v कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट यूसीएम ओनली, तो v डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. आपको मालूम है अगर वेलोसिटी चेंज होता है दैट मींस एक्सेलरेशन डू एग्जिस्ट. यस, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है. अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब लीनियर एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट. लीनियर एक्सेलरेशन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन वो होती है जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, वो एग्जिस्ट करेगी. तो याद रखो, इवन दो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में यूजुअली एक्सेलरेशन नहीं होती है, पर यहां पर है. इवन दो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन डू एग्जिस्ट. कल हम लोग क्या करेंगे, मैं कल का खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. दिस एक्सेलरेशन अराइजेस बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन डू एग्जिस्ट. ये एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस बॉडी के मास से जो बॉडी घूम रहा है. डू रिमेम्बर, अगर आप बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स. तो उसमें हमको जाना नहीं है. एक्चुअली आपको याद होगा ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है, याद है? तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था वी डू नॉट स्टडी फोर्स. नहीं आएगा फोर्स, नहीं आएगा हम लोग फोर्स पे जाएंगे नहीं, नो डाउट. बट आपको मालूम है एक्सेलरेशन अगर आपको बॉडी का मिल गया, उसको मल्टीप्लाई किया मास से, तो फोर्स मिलता है. ठीक है, yes. तो फोर्स का मैं खाली थोड़ा बता देता हूँ, फोर्स से क्या मिलेगा. एम इनटू ए करके जो फोर्स मिलता है ना, दैट विल बी द फोर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ